सुन, तुझे करोड़पति बनना है ना? हाँ, कोई नई स्कीम आई है क्या? स्कीम तो है, लेकिन तुझे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुझे हर साल 10 करोड़ मिलेंगे लाइफ टाइम तक, या तुझे एक ही बार में 100 करोड़ चाहिए? अब दोनों में से तू कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? 10 करोड़ हर साल, तो मेरी उम्र है 20 साल, तो अगर मैं और 40 साल तक इस धरती पे बोझ बना रहूंगा तो टोटल मुझे 40 साल तक 10-10 करोड़ के हिसाब से पूरे 400 करोड़ मिल जाएंगे। एक बार में 100 करोड़ लेके क्या फायदा? मुझे वो 10 करोड़ हर साल वाले सिलेक्शन करना है। कर दी ना गलती, ऐसे बनेगा तू करोड़पति। अगर तू एक बार में 100 करोड़ ले लेता तो तुझे वैसे भी हर साल 12 करोड़ का रिटर्न मिलता। लेट्स सपोज तुझे एक बार में 100 करोड़ मिला और तूने उसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दिया, जिसका पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड है 12% से ज्यादा का एनुअल रिटर्न देने का, तो तेरे 100 करोड़ का 12% बनता है 12 करोड़, जो कि तुझे हर साल मिलेगा। और तेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, तो 40 साल में जहां तुझे 10 करोड़ के ऑप्शन में 400 करोड़ मिलते, वहीं तुझे 100 करोड़ के ऑप्शन में इंडेक्स फंड की हेल्प से 580 करोड़ मिलेंगे। अब बता, मुझे ऑप्शन चेंज करने दो ना।